उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीजेपी पदाधिकारियों को दारोगा ने थप्पड़ चढ़ दिया, साथ ही दूसरे दारोगा ने भी उससे मारपीट की। इसके बाद बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार जब एक बीजेपी पदाधिकारी थाने में मारपीट की शिकायत लेकर पहुंचा तो वहां मौजूद दारोगा को शिकायत करने वाले शख्स पर ही गुस्सा आ गया। दारोगा ने बीजेपी पदाधिकारियों को न सिर्फ थप्पड़ मारा बल्कि उसको लॉकअप में भी बंद कर दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया। कुछ ही देर में अन्य कार्यकर्ताओं ने थाने में पहुंचकर घेराव कर दिया। कार्यकर्ताओं से बात कर दोनों दारोगा को लाइन हाजिर करते हुए मामला शांत कराया गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जानकारी के अनुसार सचिन नामक युवक की चाय की दुकान पर कुछ युवकों ने शुक्रवार देर शाम तोड़फोड़ की, जिसकी शिकायत लेकर वे थाने पहुंचा। सचिन बीजेपी का कार्यकर्ता है। जब सचिन थाने पहुंचा तो दारोगा ने उसकी शिकायत सुनने के बाद उल्टा उसे ही थप्पड़ जड़ दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुई इस मारपीट की सूचना जब बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को हुई तो वे भी थाने पहुंच गए। खुलेआम आदमी अपनी शिकायत लिखाने आया, आप उसको मार रहे हैं। कुछ देर पहले एक वीडियो प्रकाश में आया जिसमें एक यहां बर्रा थाने पे तैनात एक पुलिसकर्मी द्वारा एक व्यक्ति को मारते हुए वीडियो प्रकाश में आया। उसमें इसी बात पे भाजपा के कुछ कार्यकर्ता यहाँ अपना इस बात को लेकर आए थे, विरोध प्रदर्शित कर रहे थे। क्या कार्रवाई हुई है इसमें? जिन दो व्यक्तियों के ऊपर इन लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें एक व्यक्ति वीडियो में दिखाई भी दे रहा है, एक पुलिसकर्मी, दोनों लोगों को लाइन हाजिर कर दिया गया।